फाइनलाइज आवर कोचिंग एंड आज मौसम वॉज रियली रियली गुड. तो सबसे पहले वी वेंट टू ILC कोचिंग जो कि है मेरे घर के पास में ही. बट वी डिसाइडेड नॉट टू गेट एडमिशन इन ILC एंड टू बी ऑनेस्ट वी वर क्वाइट कन्फ्यूज कि मैं ILC में जाऊँ कि किस में जाऊँ. तो हाँ, मेरे घर के पास और भी 2-3 कोचिंग हैं, तो हमने वहाँ पे भी पता करा पहले कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे कैसे क्या होता है. एंड माई मेन रीज़न फॉर नॉट ऑप्टिंग फॉर ILC इज़ दैट कि वहाँ पे मेरे को थोड़ा एरिया था, थोड़ा वैसा सा लगा, थोड़ा लाइक अनसेफ सा लगा मेरे को और मम्मी को एरिया. एंड हम उस एरिया को देख के ही डर गए थे. तो हाँ, मतलब लाइक इट वॉजेंट सेफ, दैट एरिया वॉजेंट सेफ, इट वॉजेंट लुकिंग सो सेफ एंड कुछ सिक्योरिटी भी नहीं लग रही थी. इसीलिए वी ड्रॉप द ILC आइडिया एंड उसके बाद वी वेंट टू द मॉल एंड डिसाइडेड कि हमें कोई और कोचिंग देखनी पड़ेगी. आकाश के साथ कोई और भी ऑप्शन में होगा या LN वगैरह, इन दोनों में से एक हमने सोचा कि हम इन दोनों में से भी पूछने जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं एंड कैसी कैसी इनकी फैसिलिटीज़ हैं. तो हाँ, टुडे वो मौसम वॉज रियली रियली गुड. तो वहाँ ILC के बाद हम डायरेक्टली मॉल आ गए थे टू डू सम शॉपिंग. एंड हम इतने दिनों बाद मॉल आए, इतने दिनों बाद हम फ्री हुए, मम्मी और मैं सास में घूमने आए हैं. हमने शॉपिंग करी, उसके बाद वी हैड सम फूड फ्रॉम बीकानेर वाला एंड इट वॉज सो अमेजिंग, मज़ा ही आ गया. एंड इतने दिनों बाद हम मॉल आए हैं ना शॉपिंग करने, लाइक आई वॉज फीलिंग रियली रियली गुड कि मैं इतने दिनों बाद आई हूँ फाइनली पेपरों के बाद 11 से जस्ट पहले. इट वॉज रियली अमेजिंग. तो आफ्टर ईटिंग आर डिनर एट बीकानेर वाला हम चले गए थे मार्केट 99 में, विच वॉज इन द मॉल ओनली. तो हाँ, हम यहाँ पे आए थे टू बाई सम थिंग्स. तो यहाँ पे मम्मी हैड टू बाई सम बोल्स फॉर क्रॉकरी वगैरह, उनको लेनी थी बेसिकली, एंड मेरे को अपनी स्टेशनरी लेनी थी क्योंकि बेसिकली यहाँ पे स्टेशनरी बहुत अच्छी मिलती है. यहाँ पे नोटबुक्स भी बहुत अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट मिलते हैं, सुंदर सुंदर इतनी नोटबुक्स मिलती हैं यहाँ पे. तो मैं तो यहाँ पे नोटबुक्स लेने के लिए आई थी एंड मैं यहाँ पे मम्मी के साथ उनको शॉपिंग भी करवा रही थी, उनको जो जो चाहिए था मम्मी ने वो लिया एंड मैंने भी अपनी शॉपिंग कर ली मम्मी के साथ ही. एंड मम्मी ने मेरे को भी बहुत सारी शॉपिंग करवा दी थी आज. तो इतने दिनों बाद हमें मॉल आ गया, बहुत अच्छा लगा. एंड द मॉल इज़ रियली क्लोज टू आवर हाउस, लिटरली 5 मिनट का रास्ता मेरे घर से मॉल का. तो हम फटाफट आ गए थे एंड इट वॉज लाइक थोड़ी सी लेट हो गए थे हम, लाइक 8 कुछ ही बज गए थे. बट आगे के मॉल घर के बहुत पास था तो लाइक हम फटाफट घर भी चले गए थे, तो इट वॉज क्वाइट सेफ थिंग. उसके बाद वी केम टू द स्टेशनरी सेक्शन एंड भाई ये देखो कितना प्यारा स्टेशनरी सेक्शन है इनका. लाइक यू विल गेट मोस्ट ब्यूटिफुल नोटबुक्स हेयर, मोस्ट ब्यूटिफुल डायरीज हेयर. एंड यहाँ से हमने डायरी वगैरह लेके वी वेंट टू द होम. एंड हमने सोचा था कि हम मूवी देखेंगे बट वी वर सो टायर्ड क्योंकि हम सुबह से घर से निकले हुए थे दैट वी कुड नॉट वॉच एनी मूवी. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे नाउ एंड हम आज फाइनली फाइनल करने जा रहे हैं कि हमें आज कौन सी कोचिंग ऑप्ट करनी है. एंड मैं और मम्मी ही जा रहे हैं यहाँ पे फाइनलाइज करने. तो वी आर सो हैप्पी कि मेरी कोचिंग अब फाइनल हो गई है. बट आज मौसम बहुत ही ज़्यादा गंदा था, लाइक लिटरली भाई इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी आज, हम जल गए भाई, लिटरली जल गए. एंड इतनी ज़्यादा गर्म गर्म हवा चल रही थी, लाइक कल इतना अच्छा मौसम हो रहा था, लगा था बारिश आएगी, कुछ होगा, आंधी तूफान जैसा लग रहा था, लेकिन इतने थंडर स्टॉर्म ऐसे बादल हो रहे थे. तुम लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसे बिजली सी कड़क रही थी है ना क्लिप में. एंड बट कुछ बारिश नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं हुआ. हम पे मैसेज भी आ गया था कि ओले वगैरह गिरेंगे, हेल स्टॉर्म होगा, कुछ भी नहीं हुआ, एक बूंद भी नहीं गिरी बारिश की. एंड अगले दिन ही इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी. बट धूप को इग्नोर करते हुए वी वेंट टू द कोचिंग एंड फाइनलाइज्ड कि हमें इस कोचिंग में जाना है. सो आई एम गोइंग टू गो इन आकाश, मैं आकाश में कोचिंग लूँगी. एंड ये मेरे घर के बहुत ही ज़्यादा पास है, लाइक लिटरली 10 मिनट का रास्ता है मेरे घर से. एंड देयर गोना ऑल्सो प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो मम्मी के लिए भी हेक्टिक नहीं हो क्योंकि उनका भी ऑफिस होता है रोज़. तो हाँ, आई एम सो हैप्पी कि मेरा इसमें एडमिशन हो गया एंड फाइनली आई एम गोना गो एंड प्रिपेयर फॉर JEE. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट. तो अब वी केम टू द बुक स्टोर टू गेट NCERT बुक्स फॉर स्कूल. नाउ मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि मेरे पास परचम इवेंट का इन्विटेशन आया था कि नहीं आया था एंड मैं क्यों नहीं गई थी. तो सबसे पहली बात, मेरे पास परचम इवेंट का VIP पास का इन्विटेशन आया था एंड आई एम सो ऑनर्ड कि मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई थी. बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गो क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों का ऑफिस है एंड वो वीकडे में था इवेंट, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाई. एंड द फैक्ट दैट आई वॉज सो एक्साइटेड जाने के लिए, दिगराज सर से मिलने के लिए, शोभित भैया से मिलने के लिए, प्रशांत भैया से मिलने के लिए, क्योंकि इन सब से मैंने बहुत पढ़ा है, मैं 9th से पढ़ती आ रही हूँ दिगराज सर से एंड आई फील सो कनेक्टेड विद हिम. एंड मेरा इतना मन था उनसे मिलने का बट आई कुड नॉट क्योंकि उन मम्मी पापा का दोनों का ऑफिस था एंड इवेंट दिल्ली में था एंड मैं यहाँ पे रहती हूँ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ मैं UP में. तो यहाँ से मेरे को कौन लेके जाता और कौन लाना ले जाना करता, कोई भी नहीं था. तो हाँ, आई जस्ट
कुड नॉट गो एंड आई फील सो सैड. लाइक मेरा मूड बहुत ऑफ था उस दिन, तो मैंने कुछ भी पोस्ट भी नहीं करा, मैंने कुछ करा भी नहीं उस दिन, क्योंकि आई रियली वॉन्टेड टू गो एंड अटेंड दैट इवेंट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मन था जाने का. जैसे मेरे पास जाना था मीटअप है, आई वॉज सो एक्साइटेड एट द फैक्ट कि मेरे पास खुद आ गया था इन्विटेशन एंड मेरे को बस जाना था, अटेंड करना था, एंड स्टिल आई कुड नॉट गो. इज जस्ट सो सैड. बट हाँ, एनी वेज अब आगे बढ़ते हैं. तो ऑल्सो मैंने अपनी कोचिंग लगवा ली एंड आई एम गोइंग टू गो टू आकाश इंस्टीट्यूट. मेरे घर के जस्ट 10 मिनट दूरी है आकाश, एंड मैंने वहाँ पे अभी अपना एडमिशन करा है जस्ट 2 दिन पहले. एंड ये सब इट इज़ थैंक्स टू माई मदर, उनकी वजह से ही हो पाया, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने चक्कर काटे उन्होंने, फाइनली मेरा एडमिशन हो गया आकाश में. एंड मेरा भी बहुत मन था कि मैं जाऊँ तो आकाश में जाऊँ पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा है वो कोचिंग में, जितना मैंने सुना है बहुत अच्छा है उसके लिए, उसके जो वो है बहुत सारे उन्होंने रैंकर्स भी निकाले, तो इसीलिए मेरा बहुत मन था मैं जाऊँ वहाँ पे. तो हाँ, मेरी मम्मी की वजह से फाइनली अब मैं वहाँ पे जाके पढ़ूंगी, कोचिंग लूँगी जेई के लिए, एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड सो ग्रेटफुल टू हर कि फाइनली सिर्फ उनकी वजह से ये हो पाया है. एंड अब मैं अच्छे से पढ़ूंगी ताकि मैं उनको प्राउड फील करा सकूँ, एंड वो भी खुश हो कि हाँ, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी थी उन्होंने फाइनली कुछ करा है, एंड वो फाइनली प्राउड फील कर सके कि हाँ, मैंने भी बहुत अच्छी चीज़ उनको गिफ्ट करी है इन रिटर्न, क्योंकि वो इतनी मेहनत करी है मेरे लिए, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए ना उनके लिए. तो इसलिए आई एम गोना डू अ लॉट ऑफ मेहनत एंड मैं भी अच्छा रैंक लाऊंगी जेई में, अच्छे से पढ़ाई करूंगी. तो हाँ, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करी है मेरे लिए, सो आई एम गिफ्टिंग हर दिस गिफ्ट कि मैं अच्छे से मेहनत करूंगी और उनको अच्छे रिजल्ट्स ला के दूंगी, ताकि जो उनके पैसे हैं वो वेस्ट ना जाए, एंड शी फील्स दैट इट वॉज वर्थ इट, ऑल दिस मेहनत वॉज वर्थ इट. तो अगर तुम लोगों की भी मम्मी या पापा जो भी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुम लोगों को भी उनके लिए अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, जितना स्ट्रगल वो झेल रहे, जितने सैक्रीफाइस वो कर रहे हैं, वो सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं. तो तुम भी उनके लिए थोड़े बहुत सैक्रीफाइस कर लो 2 साल के लिए, तो तुम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी. तो हाँ, दैट इज़ माई मेन एम कि अपनी मम्मी को मेरे को प्राउड फील कराना है. तो हाँ, कल से मेरे स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज मैं बुक्स लेने गई थी एंड मेरे को मिल गई थी. अब इट इज़ लाइक द डे कि आज संडे है एंड मेरे को कल स्कूल जाना है, तो आई एम जस्ट गेटिंग रेडी. मैं अपना बैग पैक करूँगी, वो सब करूँगी, दैट एवरीथिंग आई शो यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. सो हाँ, सो आई बेसिकली बॉट द बुक्स जो मेरे को चाहिए थी, जो कि फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है, इंग्लिश का एंड केमिस्ट्री का. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होना ही था, मेरे को केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट मिला ही नहीं, क्योंकि वो अनअवेलेबल हो गया. लाइक लिटरली बुक्स आ रही थी एंड इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस बुक मार्ट पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. बट जो मेरे को बुक्स मिली वो मैं ले आई, एंड साथ में मैं रफ़ नोटबुक भी ले, क्योंकि मेरे को कल कोचिंग के फर्स्ट डे पे रफ़ नोटबुक लेके जानी है, उसके बाद आई गेट द मॉड्यूल्स एंड द बैग एंड ऑल, जो जो भी मिलता है वहाँ पे, जितना मेरे को पता है सारे मॉड्यूल्स वगैरह मेरे को कल मिलेंगे वहीं पर ही जाके. तो हाँ, अभी मेरे को बस रफ़ नोटबुक लेके जानी है. स्कूल की भी नोटबुक्स हम नहीं ले पाए, क्योंकि मम्मी का ऑफिस का कुछ काम आ गया था, तो वी कुड नॉट गो टू द स्कूल. ये बुक्स मैंने ले ली थी पहले ही, तो हाँ, इसलिए मेरे पास ये हैं. एंड थैंकफुली मैंने एनसीईआरटी की बाकी की बुक्स भी ले ली थी, फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट एंड मैथ्स का एंड केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि भाई कुछ भी अवेलेबल नहीं था बुक स्टोर पर. एंड यहाँ पे मेरे घर के पास वही वाला बुक स्टोर है जहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल है, तो हाँ, वो भी मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर है, तो इसीलिए दैट इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल वन. और बाकी वी विल गेट लेटर. एंड नोटबुक्स वगैरह जो मैं वो मैं स्कूल से ही परचेज करूँगी, क्योंकि मेरे स्कूल में ही मेरे को नोटबुक्स परचेज करनी पड़ती हैं, इसीलिए तो वो दिक्कत है कि स्कूल की ही परचेज पब्लिश नोटबुक्स हमें यूज़ करनी पड़ती है, तो बड़ी दिक्कत है एक तो भाई साहब. बट एनीवेज मैं ये लूँगी नोटबुक्स एंड आई विल फाइनली गेट कम्प्लीटली रेडी फॉर माई स्कूल एंड ऑल. तो हाँ, टुमारो आई हैव टू टेक द मनी एंड वहीं से मेरे को परचेज करनी पड़ेगी, एंड कल मेरा बैग इतना भारी हो जाएगा ना, इतनी सारी नोट्स मेरे को घर लेके लानी पड़ेंगी. बट चलो, एनी वेज, इग्नोरिंग ऑल दैट, लेट्स मूव अहेड. तो देन आई हैड माई लंच एंड आफ्टर ईटिंग माई लंच वी हैड टू गो टू द मॉल अगेन फॉर सम थिंग्स. मेरे को शूज़ वगैरह लेने थे, तो उसके लिए भी हम दूसरी मार्केट गए. तो हाँ, तो आफ्टर कमिंग बैक आई हैड माई आइसक्रीम एंड ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है. एंड इसको खाते खाते वी वॉच्ड द न्यू शो दैट इज़ कपिल शर्मा शो जो आया है नेटफ्लिक्स पर, हमने वो देखा एंड वी एंजॉयड इट अ लॉट. ये मेरा लिटरली वन ऑफ द फेवरेट शो है मेरा और मम्मी का, क्योंकि हमें इसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत हंसी आती है. तो हाँ, वी वॉच दिस एंड सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. इफ यू लाइक डिट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोस्ट रिलेटेड कॉन्टेंट. बाय, टेक केयर.